हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है ये है न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जिसको आज लॉन्च किया गया है। कीमत रखी गई है गाड़ी की 11,99,000 रुपीज़ से लेकर 19,49,000 रुपीज़ तक। हालांकि अभी सिर्फ मैनुअल वेरियंट्स का प्राइस अनाउंस किया है, ऑल व्हील ड्राइव और ऑटोमेटिक वेरियंट्स का प्राइस नहीं आया है। उम्मीद है 22 लाख रुपये के आसपास तक जा सकती है। वीडियो में आपको क्विकली बताने वाला हूं क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ मिला है इस गाड़ी के अंदर। शुरुआत करते हैं फ्रंट के साथ में। सेम आपको जो स्कॉर्पियो की ग्रिल है इंस्पायर्ड, वही आपको मिलने वाली है। एक आपको यहाँ कैमरा दिखाई देने वाला है, इसमें दो कैमरे मिलने वाले हैं आपको रियर में और फ्रंट में। हालांकि साइड कैमरा नहीं होगा, नया महिंद्रा का लोगो है वो आपको दिखाई देने वाला है। और अगर हेडलाइट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाली, आपको DRLs मिल जाएंगी इसके अंदर। प्रोजेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी बड़ी साइज़ की हेडलाइट है। नीचे भी आपको एक DRL यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ये एक फॉग लाइट का काम करने वाली है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट से काफ़ी स्टाइलिश नज़र आती है ये गाड़ी। वहीं पर बात करें साइड में क्या कुछ मिला है, तो साइड में आप देखें काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाले, आपको अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। 18 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं और डायमंड कट रखे गए हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ है। ये गैप भी आपको काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा होगा। साइड से देखने में गाड़ी काफ़ी ऊंची नज़र आती है। महिंद्रा ने बातों ही बातों में इसको कंपेयर किया है टोयोटा की फॉर्च्यूनर के साथ में, डायमेंशंस के मामले में, फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में, और कीमत में लगभग 50% कम आपको पे करना होगा इस गाड़ी के लिए। हाइट की मैं बात करूँ तो मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच के आसपास है, और आप हाइट कंपेयर कीजिए, गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आपको फुटस्टेप्स मिलने वाले हैं, ऊपर आपको सनरूफ मिलने वाली है गाड़ी के अंदर।
और विंडो ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलने वाला है। साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रोम का काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है, जो ट्रैवल करता है पीछे तक। साइड में और कुछ क्या मिलेगा, तो आपको पुश स्टार्ट बटन मिलने वाला है, यहाँ पे क्रोम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो क्रोम का काफ़ी यूज किया है। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की, तो अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं अगर आप पुरानी स्कॉर्पियो से कंपेयर करेंगे। हालांकि ये ऑल न्यू कार है, पुरानी स्कॉर्पियो से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नाम मैं बोलूँगा कैरी फॉरवर्ड किया गया है। आपको डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे लेदर दिखाई देने वाला है, काफ़ी स्टाइलिश आपको डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है, जिसके ऊपर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट दिखने वाला है। यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे, जिप जैप जूम मोड्स मिलने वाले हैं। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको ड्राइव सिलेक्टर मिलने वाला है। 3-4 मोड्स आपको मिलेंगे, टेरेन मोड्स मिलेंगे, महिंद्रा का नया लोगो आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर दिखाई देने वाला है, लेदर रैपिंग स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी मिलने वाली है, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा आपको जो इसका MID है उसके अंदर कलर TFT स्क्रीन दिखाई देने वाली है, और लेदर सीट्स आपको मिलेंगी इस गाड़ी के अंदर। वहीं पर आप डैशबोर्ड में यहाँ देखेंगे तो आपको एक सोनी की बेजिंग दिखाई देने वाली है, 12 स्पीकर्स का सोनी का साउंड सिस्टम आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। ऊपर आपको सनरूफ भी दिखाई दे रही होगी, सनरूफ भी मिलने वाली है। और हेडरूम की मैं बात करूँ तो हेडरूम ठीक ठाक है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिली है इसके अंदर, आप सीट को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और एक लंबर स्पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं पीछे कैसे स्पेस ऑफर करती है गाड़ी, और बात करें मिडल रो में कैसा लेगरूम मिलता है, तो न्यू स्कॉर्पियो के अंदर आपको लाजवाब आपको लेगरूम मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा लेगरूम है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है और शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा है। कैप्टन सीट वेरिएंट है, लेदर सीट्स इसमें आपको मिलने वाली हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। उसके अलावा आपको काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको AC वेंट्स यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं बीच के अंदर। शोल्डर रूम इसका पहले के मुकाबले आपको लगेगा थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। हालांकि एक कमी है मिडल रो के अंदर कि आप इसकी सीट को स्लाइड नहीं कर पाएंगे आगे या पीछे, तो जो आपको लेग रूम मिला है उतना ही रहने वाला है। और थर्ड रो के अंदर अगर आपको जाना है तो कैप्टन सीट वेरिएंट के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से आराम से जाकर बैठ जाएंगे। बट ये जो लेगरूम है ये सफिशियंट नहीं है मेरी हाइट के किसी भी पैसेंजर के लिए। हालांकि हेडरूम ठीक ठाक है बट थर्ड रो को आप रिक्लाइन भी नहीं कर पाएंगे, तो मैं नहीं बोलूंगा कि यूजेबल थर्ड रो आपको मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ा सा लेगरूम इंक्रीज किया गया थर्ड रो के अंदर। हेडरूम आप देख सकते हैं मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच के आसपास, और बूट ना के बराबर आपको मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। देखेंगे तो यहाँ पे आप हालांकि सीट रिक्लाइन कर सकते हैं, सीट को ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं, तो 4 सीटर या 5 सीटर के रूप में अगर आप गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपको ठीक ठाक बूट स्पेस मिलने वाला है। बट एज एन 7 सीटर आप ख़रीदने वाले हैं गाड़ी को तो आपको काफ़ी कम बूट स्पेस मिलेगा। टाटा सफारी के अंदर XUV700 के अंदर इतना ही बूट स्पेस मिलता है। काफ़ी स्टाइलिश दिखाई देने वाली आपको टेल लाइट्स मिलने वाली इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं, क्रोम का काफ़ी जगह इस्तेमाल किया गया है पीछे भी, महिंद्रा का नया लोगो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी आपको क्रोम स्ट्रिप मिलने वाली है। स्कॉर्पियो का नया लोगो आपको दिखाई देगा जो एम्बलम है 3D एम्बलम, उसके ऊपर आपको N की बेजिंग दिखाई देने वाली है यहाँ पर। हाइट की मैं आपको अगर एक आइडिया दूँ तो मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच के आसपास है। हाइट इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा है, मतलब काफ़ी बड़ी, जो बिग डैडी ऑफ SUV बोला है, कहीं ना कहीं वो साइड से या गाड़ी की हाइट को आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ इस गाड़ी के ऊपर ये नाम फिट बैठता है। कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव यहीं विदा लेता है, धन्यवाद।